अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जेस्चर एंड कॉन्ट्रोल ड्राइंग के बारे में बताऊंगा। ये दो टाइप हैं ड्राइंग के, और ये ड्राइंग आप दो तरीक़े से कर सकते हैं। और इसमें आसानी हो जाती है आपको समझने में कि जेस्चर ड्राइंग जो है वो कैसे करते हैं और कॉन्ट्रोल ड्राइंग कैसे करते हैं। आज मैं इसको थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूँगा। पेंसिल भी यूज़ किया की जा सकती है और पेन भी यूज़ किया जा सकता है। कॉन्ट्रोल ड्राइंग उसको कहते हैं जो कि आप आउटलाइन में बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बर्ड है, इस बर्ड को मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये बर्ड अगर आप बनाएंगे तो कॉन्ट्रोल ड्राइंग के अंदर इसकी आउटलाइन से डायरेक्ट अटैम्प्ट करेंगे। ये कॉन्ट्रोल ड्राइंग होगी, इसको हम कॉन्ट्रोल ड्राइंग कहेंगे, जो कि आउटलाइन पर मुनहसर होती है। आप आउटलाइन के ज़रिए कॉन्ट्रोल ड्राइंग कर सकते हैं। इसके ये चौतराफ की लाइन लगाई है आपने, इसको कॉन्ट्रोल ड्राइंग कहेंगे। जेस्चर ड्राइंग जो है वो थोड़ी सी रफ होती है और लाइंस का जो टेक्सचर है वो ऐसे चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई दरख्त बनाना चाहते हैं तो दरख्त के लिए आपने थोड़ा लाइंस को ऐसे लिया और ऐसे हम ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ बना सकते हैं। जैसे कोई हट बनाना चाहते हैं, अब जैसे हट बनाना चाहते हैं तो हम जेस्चर ड्राइंग के अंदर हाथ को फास्ट चलाएंगे इसको हम जेस्चर ड्राइंग कहेंगे, जहाँ पर हाथ का फ्लो होगा। और अगर आपने ग्रास वगैरह दिखानी है तो ऐसे दिखा सकते हैं। कॉन्ट्रोल ड्राइंग में आउटलाइन होती है किसी भी चीज़ की, जो ऑब्जेक्ट होता है आपका, और जेस्चर ड्राइंग के अंदर आपकी लाइंस का टेक्सचर होता है जिसके ज़रिए हम कुछ भी बना सकते हैं।